ये मीजू कंपनी का M2 नोट मोबाइल है और यदि हम इस मोबाइल की फ्लैश पर इंटरनेट द्वारा डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम गूगल खोलेंगे और गूगल के अंदर MEI ZU की कंपनी का नाम है, M2 नोट इसका मॉडल नंबर है और यहाँ पे फ्लैश टूल फर्मवेयर टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद इसमें एक जे वेबसाइट आती है needrom.com नाम से, इस पर हम क्लिक कर देंगे। और इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग करने के लिए आता है, तो इसके लिए सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता है हमको इस वेबसाइट में, तो इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यदि हमारा अकाउंट नहीं है तो उसके लिए हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तभी जैसे कि हमारे पास इसका अकाउंट है तो उसके लिए हमने लॉगिन पे क्लिक किया और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपना यूजर आईडी और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड टाइप कर देते हैं और यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से हम लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद इसमें हम बैग आते हैं और जो हमने needrom.com नाम की वेबसाइट ओपन की थी उसमें यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आ रहा था। अब हम ऑलरेडी लॉगिन है तो इसमें लॉगिन करने की जगह फर्मवेयर साइन मतलब जो फ्लैश फाइल थी वो आ रही है उसकी लिंक और इसे फ्लैश टूल अनलॉक बूटलोडर की लिंक आ रही है। इन दोनों चीज़ों को हमने डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमको फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है, तो इस पर क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पे क्लिक करते ही यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करते ही इस मोबाइल की फ्लैश फाइल हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी प्रकार से जो फ्लैश टूल और बूटलोडर अनलॉक करने के लिए हमने टूल यूज किया था उसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे फ्लैश टूल अनलॉक बूटलोडर पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्लैश टूल और बूटलोडर अनलॉक करने वाला टूल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि इस मोबाइल की हम फ्लैश फाइल इंटरनेट द्वारा डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं।